हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बनिया ब्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं आगरा से ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमारा थोड़ा सा प्री वेडिंग शूट है, शूट के पर्पज से जा रहे हैं। हम हरिद्वार आ चुके हैं। हरिद्वार में आप देखिए कितना प्यारा ओम लग रहा है, सामने से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके आगे शिव जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, वो भी बहुत सुंदर थे, और वहाँ पर त्रिशूल भी लगा था। अब हम लोग ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं। ऋषिकेश में उस दिन हम लोग जब जा रहे थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बादलों का जो व्यू था वो और भी अच्छा लग रहा था। अब रात का टाइम हो चुका है तो थोड़े से पहाड़ कम दिख रहे हैं, वरना ये जो बादल थे ना बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं अपने हाथों से बादल को पकड़ लूँ। अब हम लोग लक्ष्मण झूला के आसपास देख रहे थे। अब हम लोगों ने वेन्यू देख कर हम लोग एक रूम ले रहे हैं अपने लिए। अब ये लोग रूम लेने के बाद, ये हमारा रूम है ऋषिकेश वाला। यहाँ पे हम लोग करने के बाद रेस्ट वगैरह करा, चेंज करा। चेंज करने के बाद हम लोग सीधा लक्ष्मण झूला, जानकी झूला और एक और झूला था राम झूला, हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे जाके खूब इंजॉय किया। यहाँ पे हमने गंगा मैया के भी दर्शन करे थे। गंगा मैया का जो पानी था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया है। रहे थे हम लोग झूला झूलने के बाद, फिर हम लोग यहाँ से जा चुके थे। हमने वहाँ पर भेलपूरी और गोलगप्पे भी खाए थे। अब ये सब कुछ करने के बाद हम लोग 12:30 बजे तक आ गए थे। फिर हम लोग आराम से सो गए थे, बिकॉज़ नेक्स्ट डे हमें शूट के लिए भी जाना था। और वीडियो में बने रहिएगा, शूट का आपको जगह ज़रूर दिखाई देंगे। ये लो, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हमारी गुड मॉर्निंग टी के साथ हुई है। जो हमारा रूम था उसका बैकग्राउंड जो व्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब हम लोग अपने शूट के लिए जगह पे आ चुके हैं। कोटियाटा बीच है ये। यहाँ का जो व्यू था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी मोस्टली शूट्स होते हैं। शूट्स में जाते वक्त हमें यहाँ मनसा देवी का मंदिर भी पड़ा था। शूट पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने शूटिंग की। शूट के बाद हम लोगों ने कुछ पेट पूजा भी की। ये ओल्ड राव होटल था, ये अच्छा था काफ़ी, बट थोड़ा सा जो इसका टेस्ट का खाने का था ना वो थोड़ा फीका सा था, तो हम लोगों को थोड़ा कम समझ में आया। बट वेन्यू जो था, वो जगह जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और थोड़ा डिसेंट भी था। अब हम अपनी मंजिल आ चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ से जाना था नीचे की तरफ। ये बहुत कच्चा पक्का सा रास्ता था, बट काफ़ी अच्छा व्यू था। ये ऋषिकेश से आपका 34 किलोमीटर आगे था और काफ़ी अच्छा व्यू था। यहाँ पर वैसे राफ्टिंग होती थी, बट इसका फ्लो थोड़ा ऊपर होने की वजह से इस मौसम में राफ्टिंग बंद थी। राफ्टिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे भीड़ रहती है, बट राफ्टिंग का जो एरिया होता है वो आपका नवंबर से तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और राफ्टिंग में जो कि सारे फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाए और ना ही हम डूब जाए। राफ्टिंग के साथ साथ पंजिंग जंपिंग होती है। पंजिंग जंपिंग में आपका स्टार्टिंग आपकी 2000 रुपये से स्टार्टिंग रहती है पर पर्सन। बाकी आप जितनी हाइट लेते हो, जितनी दूर का लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पंजिंग जंपिंग का एरिया मिलता है। पंजिंग जंपिंग का रूल मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगी थी कि ये आपको धक्का नहीं देते हैं पीछे से, बल्कि आपको 2 चांस मिलते हैं, 1, 2, 3 काउंट करते हैं। अगर आप दोनों बार ही जंप नहीं करते हैं तो आपके पैसे भी वेस्ट जाते हैं और आपकी जो जंपिंग होती है वो उसका आप मज़ा भी नहीं ले पाए और वो रिफंड भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी यहाँ जाए तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप जा सकते हैं तभी इधर खड़े होइएगा, अदरवाइज़ नहीं खड़ी होइएगा। हम लोगों का मन था, बट ना मैंने एक रील देख ली थी उसके बाद तो मेरे को तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। स्टोरी ऑफ फॉल्स ब्रिज से बंजी जंपिंग करते हुए एरिन जिस रस्सी से बंधी हुई थी वह रस्सी टूट गई
और वह पानी के तल से 111 मीटर की ऊंचाई से सीधा नदी में गिर गई। ये रही टूर की बातें, बाकी हम लोग अपने शूट वाली एरिया पर कर रहे थे, सबके शूट चल रहे थे और मैं यहाँ पागलपंती कर रही थी। ये कोटिया जो बीच है, यहाँ पर मोस्टली शूट्स होते हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे शूट्स होते हैं, सब तरीके का होता है, हमें इन्जॉयमेंट भी था। इसकी जो चढ़ाई थी, हमारे पैर दुख गए थे। इसके बाद बाकी मैं यहाँ पर गंगा जी का जो पानी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था ये, तो मैं यहाँ पर बैठ के खेल रही थी या मस्ती कर रही थी अकेले अकेले। व्यू काफ़ी अच्छा था बट थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, बट मज़ा आया। यहाँ बहुत देर तक शूट करने के बाद हम लोग जा चुके थे वाटरफॉल पे, वाटरफॉल का भी शूट था। ये बहुत सुंदर लग रहे थे बादल, बादल ऐसे लग रहे थे कि मैं इनको पकड़ लूँ, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं वाटरफॉल के लिए। काफ़ी वाटरफॉल भी देखिए, वहाँ के शूट्स काफ़ी प्यारे। फिर हमारा शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था रात के 12 बजे। हमने दो एक नाइट स्टे किया था, एक फुल डे स्टे किया था। फिर अब हम लोग रात को ही निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। हम लोगों ने रात को 2:30 बजे करीब चाय पीने के लिए रुके थे नैनीताल के ब्लॉक के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दो दिन का टूर हमारा यहीं तक का था। थैंक यू।